सियासत, लेकिन सब में आज का दिन बड़ा अहमियत का दिन, प्राण प्रतिष्ठा और ये भी राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। और आज यहाँ पे मुल्लों के सब वो लोग थे जो बड़े वक्त से उम्मीद लगाए हुए थे, वजीर अजम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और दूसरे लोगों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस प्राण प्रतिष्ठा में तकरीबन मुल्क भर से 7,000 के करीब वीआईपी को दावतनामा भी भेजा गया था। सियासतदान भी थे, अदाकार भी थे, कथनकार भी थे, कलाकार भी थे, सब शामिल थे। और प्राण प्रतिष्ठा जहाँ पे आज हुआ उसका रिवायती आर्किटेक्चरल अंदाज में तामीर जो किया गया है, वहीं राम मंदिर के कंपाउंड को मशरिक मगरब की समझ में 380 फुट तक फैलाने के लिए डिजाइन भी किए गए हैं। चौड़ाई जिनकी 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है और मंदिर का अमूमी ढांचा फर्शों पर मुश्तमिल है और हर एक की ऊंचाई तकरीबन 20 फुट है, जिनमें से 392 सतूनों को जोड़ा गया है और 44 दरवाजों से आरास्ता भी किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पिछले 11 दिन के अनुष्ठान में थे और उन अनुष्ठान के बाद आज इस दौरान वो फर्श पर भी सोए, लेकिन आज जब वो तकरीब पर पहुंचे तो तकरीब से पहले उन्हें नारियल का पानी भी पिया। रसूमात होती रही, राम मंदिर के हवाले से मुख्तलिफ रसूमात हुई और आज जब इफ्ताह हुआ तो आज इफ्ताह वजीर अजम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने किया और यहाँ पूजा में दोनों नुमाया तौर भी नजर आ रहे थे। तकरीब की शुरुआत पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए, 18 रियासतों के मौसीकी के आलात भी बजाए गए और नरेंद्र मोदी ने पूजा भी की। सबके सदर रामनाथ कोविंद, आर्य सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत, सबका नायब सदर वेंकैया नायडू, CM उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, गौतम अडानी और फिल्मकार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अनुपम खेर, कंगना रनौत और कई दूसरी शख्सियात आज इस इफ्ताही तकरीब में शरीक हुई। और यहाँ पे संतों, महात्माओं और मजहबी रहनुमाओं को भी खसूसी तौर पे मधु किया गया था। आज की इस तकरीब पर तकरीर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि तारीख अपने आप को दोहराती है। 22 जनवरी 2024 को उन्हें बताया कि यह दिन मुल्क की तारीख का एक सुनहरा बाबा बन गया है और बड़ा वक्त गुजरने के बाद इस दिन को अब याद भी किया जाएगा। राम मंदिर का इफ्तिता आज हमारे लिए अहमियत का हामिल है और वजीर आज़म ने बताया कि सदियों के बाद ये दिन हमें मिला है जब हम तारीख के उस दौर से गुजरे हैं जहाँ एक नए भारत का कयाम अमल में आ चुका है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के इफ्ताह के मौके पर जिस तरह से मुल्क में जज्बात और एहसास का मुजाहरा किया जा रहा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि सदियों के बाद मुल्क की आवाम को तारीखी दिन नसीब हुआ है जिसके लिए वो काफ़ी उससे से इंतज़ार कर रहे थे और आज से हम एक नए भारत का आगाज़ कर रहे हैं। उनने कहा कि पूजा पाठ हर दिन 14 घंटे तक अकीदतमंदों के लिए खुली रहेगी और यहाँ पे जो अहम लोग थे उनको भी बताते हुए, उनकी तरफ मुखातब कर होते हुए उन्होंने बताया कि आपकी भी जिम्मेदारी है। मुल्क के हाल भी बताया और मुल्क की सियासत भी बताया, नया नारा भी दिया और देव से देश और राम से राष्ट्र की बात करते हुए बताया कि आज का दिन कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं बल्कि एक नए काल की शुरुआत भी है, एक नया भारत खड़ा हो चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर। रामलला, अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है, ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है।
राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात ये बड़ी कृपा है, हम इस पल को जी रहे हैं, इसके हम साक्षात हैं, हम इसके विटनेस हैं, हम इसके गवाह हैं। ये बता रहे थे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या के आज की बड़ी तकरीब से। अयोध्या में तकरीब हो रही थी, मुल्क भर में भी तकरीबात हो रही थी, मुल्क भर के मंदिरों में तकरीबात हो रही थी और जम्मू कश्मीर में भी तकरीब हो रही थी। मुल्क भर में आज आधे दिन की छुट्टी भी सरकारी तौर पर रखी गई थी और आज जम्मू कश्मीर में जो तकरीबात हुई वो जम्मू के रघुनाथ मंदिर में भी हो रही थी और कश्मीर के शंकराचार्य मंदिर में भी हो रही थी। जम्मू में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जो है वो रघुनाथ मंदिर में आज हाजिर हुए थे और यहाँ जो इफ्ताही प्रोग्राम था उस हवाले से दुआओं का भी एहतमाम किया गया। जम्मू में मरकजी वजीर कानून राज्य रामपाल भी रघुनाथ मंदिर में दूसरे सियासी लीडरान के हमरा पहुंचे हुए थे और यहाँ उन्हें राम मंदिर के इफ्ताह के मौके पर जम्मू कश्मीर की हिफाजत जो इंतजामिया हैं उन्होंने भी हिफाजत के खूब इंतजाम कर रखे थे। पुलिस की तैनाती भी की गई थी, लोगों की नखारत पर नजर भी रखी गई थी और हालात जम्मू कश्मीर में पुरअमन भी रहे, किसी भी जगह से किसी भी अनटोल इंसिडेंट की खबर नहीं। लेकिन जम्मू में आज बड़ा मामला हुआ 11,000 दीप जलाने का, चिरागान किया गया रघुनाथ मंदिर को और रघुनाथ मंदिर के बाद में जब उसके बाद मरकजी वजीर बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ी कामयाबी बताया और बताया कि बड़े जिंदगी में या यूं सदियों बाद जो प्रार्थना है वो पूरी हुई है आज के दिन से। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जहां मैं खड़ा हूं यहां भी रघुनाथ मंदिर में, यहाँ भी बहुत से ऐसे चमत्कार हुए इस मंदिर के लिए भी अभी बताया गया, तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन प्रभु श्री राम को याद करना, मंदिर में दर्शन करना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। ये जल की जम्मू की लेकिन कश्मीर में भी था, लेकिन इस सारे के बीच में आपको बताते चलो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करते सुबह सुबह उन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद भी पेश की और बताया कि पूरी दुनिया रूहानी मसरत का एक शानदार और नाकाबिल तस्वर दावरा आज देख रही है। मनोज सिन्हा ने बताया कि पूरी दुनिया का जो ये दायरा देख रही है, मैं अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के पूर्व मसरत मौके पर लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जब बात मंदिरों की आ जाती है तो आज मंदिरों में जम्मू में खूब चहल पहल थी तो कश्मीर में भी चहल पहल थी और कश्मीर जम्मू में छोटे से लेकर बड़े मंदिरों में आज पूजा पाठ का खसूसी प्रोग्राम था तो कश्मीर में शंकराचार्य मंदिर में भी तकरीब हुई और यहाँ पे अभिजीत मंदिर की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की, पूजा में हिस्सा लिया और बाद में मीडिया से बात करते हुए अपने ख्याल के साथ किया। आज बहुत विशेष दिन है, आज के दिन हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम रामलला में विराजमान हो रहे हैं। आज से महत्वपूर्ण दिन कोई नहीं हो सकता और हम सब लोग बहुत ही खुशी और उत्सव हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मना रहे हैं।
बाबा के दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने के बाद अपना खुशियां और अमन शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब लोग त्योहार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। सनम के साथ एक हिस्सा प्रोग्राम के अब तक का हो चुका है। हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलेंगे, लेकिन दूसरे पड़ाव में सिक्योरिटी भी है। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी के हवाले से हालात पर भी नजर है, और आज जनूबी कश्मीर में कुछ ऐसा भी देखने को मिला जो यूजुअली कश्मीर में नहीं होता है। ये सब कुछ क्या हुआ, क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें हैं, सवालात हैं, मामलात हैं, ब्रेक के बाद।